सो हे वॉट इज अं दिस इज वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो सो फाइनली आई एम रोहतक के फॉर्म से वो आउट हो चुके हैं जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एंड देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी आई एम रोहतक रिलेटेड जिसमें मैंने एडमिशन प्रोसेस वगैरह समझा लास्ट डेट टू अप्लाई वगैरह एंड बिल्कुल डिटेल में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मतलब एक्सप्लेन किया था तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो इस वीडियो में कि आपको जो आई एम रोहतक का फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है एंड आपको मिस्टेक कोई भी नहीं तो आपको आई एम रोहतक की साइट पर जाना है आपको देख रहे हो ओपन पेज तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम साइट का लिंक डाल दूंगा उसके थ्रू आप जा सकते हो उसके बाद इधर आके आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहे होम अबाउट आई एम रोहतक प्रोग्राम्स करके तो प्रोग्राम्स में आपको जाना है फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कि आईपीएम है क्लिक कर देना है उसके बाद ये पेज ओपन होगा उसके बाद सामने आपको दिख रहा है कि रजिस्टर फॉर आई पी एम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन एडमिशन इस पर क्लिक कर देना है एंड इसमें दो ऑप्शन आएंगे न्यूज रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म तो न्यूजर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके पास ये पेज आएगा इंस्ट्रक्शन का जिसमें नोट दे रखे हैं कि रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज ऑन सेकंड में ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट एलेवन फिफ्टी फाइव पी एम फिर रिकमेंडेडेडेडेडेड ब्राउजर फॉर टू फिल द फॉर्म दे रखे हैं एंड ए जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं तो आप इसको प्लीज़ पढ़ लेना क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो कुछ मिस्टेक मतलब कोई कॉमन मिस्टेक हो जाएगी एंड फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे तो इसमें एक लोज पर क्लिक कर देता हूं मैं अभी उसके बाद ये भी लिख के आ रहा है प्राइवेसी नोटिस वगैरह तो ये भी आप एक बार देख लेना तो, तो सबसे पहला स्टेप पे हम आ गए हैं तो उसमें आपको जनरल डिटेल्स बनी है जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया ठीक है एंड आप वही नेम बनना जो आपके क्लास टेंथ की मार्कशीट में ठीक है अगर डिफरेंट हुआ तो चांसेस है कि आपका एडमिशन विडड्रॉ कर लेंगे अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपको अपना ई मेल एड्रेस डाल देना है फिर आपको अपनी नेशनैलिटी डाल देनी है, अपनी है तो आपको अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंसी डालनी है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड इसमें तीन नोट भी दे रखें तो आप इसे भी प्लीज़ पढ़ लेना जितने भी नोट वगैरह हैं प्लीज उन्हें पढ़ते जाना क्योंकि क्या होता है काफी चीजें इनमें इंपॉर्टेंट होती हैं आप अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा आप कुछ भी भर दोगे बाई चांस एंड फिर आपका सिलेक्शन बाद में नहीं हो पाएगा तो ये पढ़ लेना मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं लाइकली टू कम्प्लीट स्टैंडर्ड ट्वेल्थ और एच और इक्वर बाय द एंड ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी कैन ऑल्सो सब्जेक्ट टू मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एज मैंटेड सच कैंडिडेट विल भी ऑफर एडमिशन टू द प्रोग्राम प्रोविजनली एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम सच कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस टेंथ ट्वेल्थ मार्क्स सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स दैट इज सिक्स 60% वो जनलू एस एंड एनसीओबीसी और फिफ्टी फाइव परसेंट वो एस सी एस टी पी एड्ल्यू डी माइग्रेशन सर्टिफिकेट फेलिंग कैंडिडेट्स एडमिशन ऑफ स्टैंड कैंसिल तो ये एक नोट है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वुड भी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ बेस्ट फाइव सब्जेक्ट दैट द मार्क्स ग्रेड शटी रिस्पेक्ट ऑफ द बोर्ड अवॉर्डेड लेटर ग्रेड्स और कन्वर्न ऑफ ग्रेड्स टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ बेस्ट फाइव सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द प्रोसीजर सर्टिफाइड बाई द बोर्ड कॉम्पिटेंटॉरिटी आपको नहीं डालना है बेस्ट ऑफ फोर हो गया आपको अपना बेस्ट ऑफ सिक्स नहीं डालना है आपको बेसिकली एग्रीगेट लेना बेस्ट ऑफ फाइव सब्जेक्ट का इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट आपके उन सिक्स में जो बेस्ट ऑफ़ फाइव सब्जो के मार्क्स आपको वो ले लेने लेना उनका एग्रीगेट निकाल के पुट कर देना है अगर इस स्टेप पर गलती होगी एंड बाद में मतलब पता चला कि नहीं ये मिस्टेक है तो आपको जो एडमिशन है वो पक... का कैंसल्ड हो जाएगा इसमें कोई चांस ही नहीं आप कुछ भी कर लोगे वो वापस नहीं आ पाएगा इसलिए ये चीज तो आप बिल्कुल अच्छे से फिल करना उसके बाद ये लास्ट नोट कैटेगरी एब्रीविएशन वगैरह एंड उसके बाद ये डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट है तो आप ये आई एग्री पे क्लिक कर दोगे एंड एक कैप्चा फिल कर दोगे उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना ओके सो आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेप आपके पास ऐसा नोट लिख के आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दि स्टेप वन ऑफ रजिस्ट्रेशन योर यूजर आई एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आई एंड मोबाइल नंबर रिस्पेक्टिवली काइंडली क्लिक ऑन टू गो टू एप्लीकेशन फॉर्म बटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस पेज टू प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन इस पर उस पर क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद आपको देख होगा एक ऑप्शन आ रहा है गो टू एप्लीकेशन हो उस पर क्लिक करना है एंड एक ही बताऊंगा कि जो एक आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म होता है वो भी बेसिकली सेम होता है मेरे को ऐसे याद आ गया क्योंकि मैंने उसका भी फॉर्म फिल किया था देखो याद हो कि बहुत सिमिलर है फॉर्म तो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है अपने फादर्स गार्डियंस का नेम मदर्स का नेम देन अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है देन uh, आपको अपना बताना है डिसबिलिटी डिटेल्स बतानी है देन आपको अपना एड्रेस बता देना है एंड आपका परमानेंट एड्रेस जो भी आपको अपनी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वो फिलअप कर लेनी है एंड उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है सेकंड स्टेप में बेसिकली आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है मतलब आपको टेंथ में या फिर एस एस सी के लो या फिर इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम था उसके आपको मार्क्स वगैरह फिल करने हैं जैसे कि एंड इसमें देखो फिर से मैं बता रहा हूँ एग्रीगेट मार्क्स इन बेस्ट फाइव सब्जेक्ट कंसिडर होंगे एंड उसके बाद आपको अपना जो भी बोर्ड वगैरह वो उसे कर देना देखो मैं ये बता देता हूँ सी बस सी लिया मार्क्स जैसे फिल किया नाइन्टी फाइव पॉइंट जीरो वन परसेंट मैं फिल कर दिया अपना बोर्ड मैंने डाल दिया स्कूल नेम ऑफ आपको आपको भी ऐसे फिल कर देना है फिर मार्क्स सीबीएसन डालने या फिर ग्रेड जो भी आपके मार्क्सिट uh, में है, तो मैं इधर मार्क्स ऑफ टेन डाल देता हूँ उसके बाद आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश है सबसे पहले ठीक है तो आपके इंग्लिश में आपने सब्जेक्ट वन इंग्लिश करके डाल दिया देन आपके मार्क्स ऑफ टेन कितने थे इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल मैं नाइन सेवन थे मेरे ऑफ हंड्रेड तो मैं ऐसे करके डाल दूंगा एंड ऐसे जितने भी आपके बेस्ट फाइव सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स वगैरह आप डाल देना और उसके बाद जो आप

मा था ट्वेल्थ e क्लिक करोगे तो आपको फिर से वही जैसे आपने टेंथ के फिल किया है मार्क्स वगैरह वो सब फिल कर देना है एंड अगर आप नो पर क्लिक करते हो तो क्या कैंडिडेट लाइकली टू कम्पलीट स्टर्ड ट्वेल्थ बाय द एंड ऑफ जुलाई थर्टी वन ट्वेंटी टू कैन ऑल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज इन द एडमिशन प्रोसीजर मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा तो नो पे क्लिक करने के बाद कोर्स uh, टाइप का ऑप्शन आएगा ट्वेल्थ डाल दूंगा तो इसमें देखो अब आप आपको मार्क्स वगैरह फिल नहीं करने हैं आपको अपना जो बोर्ड है वो डाल देना है एंड आपका जो कोई भी कॉलेज है और इंस्टीट्यूट का नेम है वो डाल देना है फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सेंटर प्रेफरेंस डिटेल्स ऑब्वियसली ऑफलाइन हो रहा है आई पी एम uh, रोहतक या फिर कोई और भी एग्जाम कह लो तो आपको अपने सेंटर प्रेफरेंस डिटेल्स भरने पड़ेंगे इसमें लिखा है नोट यू कैन सिलेक्ट एनी थ्री प्रिफर्ड सिटी फॉर द आई एम रोहतक एग्जामिनेशन हाउ एवर सिटी एलोकेशन विल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी देखो जितना जल्दी आप फॉर्म फिल कर रहे हो जितना जल्दी आप अपनी प्रेफरेंस भर रहे हो उसके बेसिस पर आपको लाइक मिलेगा आपको प्रेफरेंस एग्जाम सिटी आपका कौन सा मिलना है कौन सा नहीं मिलना है फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस सिटी वन में अपना डाल देता हूँ डाल देता हूँ न्यू डेली डाल देता हूँ सेकेंड प्रेफरेंस सिटी में अपना डाल देता हूँ मैं अपना सेकंड प्रेफरेंस सिटी डाल देता हूँ गुड़गांव डाल देता हूँ एंड थर्ड मैं सिमिलरली डाल देता हूँ नोएडा तो अब देखो अगर मैंने जल्दी फॉर्म फिल किया एंड उतनी लाइक जो एग्जामिनेशन जो सेंटर इसमें उसमें सीट्स अवेलेबल है तो मेरे को न्यू दिल्ली मिलेगा नहीं हुआ तो फिर गुड़गांव मेरा प्रेफरेंस देखा जाएगा उधर अवेलेबल है नहीं अगर गुड़गांव भी नहीं मिला फिर फाइनल नोएडा बट जनरली अगर आप थोड़ा जल्दी फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है इसको भी मैं सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा उसका लास्ट स्टेप होता है आपका डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट वाला ठीक है तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले तो अपनी जो भी स्कैंड कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इधर अपलोड कर देना है उसके बाद आपको आपकी टेंथ की जो

प्रोवाइडेड बाई मी इन दू टू दाई नॉलेज आई अंडरस्टैंडी डेचर टू दंडीशन लेट डाउन इन दर्टाइजमेंट आई फर्दर डेयरस्ट मी इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है आपको एंड आपको एक कैप्चर क्लिक कर देना है आप प्रिपेयर करो कैट अन ट्वेंटी के लेटेस्ट बैचेज लॉन्च हुए हैं एक बैच है ट्वेंटी फरवरी से जो है सनराइजेज

इस सेक्शन पे फोकस किया जाएगा बिल्कुल जहां पे आपका जो जो वीक पॉइंट है उस पर फोकस किया जाएगा आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए एंड आपकी जो अच्छी रैंक आ जाए एंड एंड आपको अच्छा कॉलेज एक और बैच है जो कि एब्सोल्यूट एपसोल्यूट फॉर एमएस टू एंड इसके थ्रू आपको एडमिशन अपॉर्चुनिटी टू थ्री प्लस हाई आर ओ आई एमबीएमएमएस कोर्सेज मिलता है आपको टॉप एम बी कॉलेज जेबी आई एम एस हो गया एग्जाम है मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल एग्जाम विद नो नेगेटिव मार्किंग एंड बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है जितने भी कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाए

चुका हूं कुछ आ चुके हैं और भी बहुत सारे प्लान एडिटिंग वगैरह बाकी है एंड और भी बहुत यूनिक तगड़ा कॉन्टेंट प्लान है आपके लिए तो आप किसी भी कोर्स किसी स्ट्रीम से डू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड आपको कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट में ड्रॉप कर दो या फिर आप डीएम कर सकते हो तो मुझे फॉलो भी करें ठीक है उधर थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा तो बस चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में सो स्टे हैप्पी स्टे सेफ